मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल शनिवार को देवास जिले के दो गांव बरझाई व पुंजापुरा पहुंचे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल सुबह 10 बजे बागली के गांव बरझाई पहुंचे, जहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं और आम लोगों से चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल ने महिलाओं से चर्चा उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर जानकारी ली। पूछा कि बताइए कौन कौन ऐसी महिलाएं हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। समूह की सदस्य ममता मेढ़ा से भी संवाद कर पूछा कि समूह से जुड़ने के बाद वे कैसे आत्मनिर्भर बनी। राज्यपाल पटेल ने सिकल सेन एनीमिया को लेकर स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन भी किया। इस दौरान राज्यपाल ने एक बालिका से संवाद कर उनका नाम पूछा, उसका हाथ देखा और CMHO से कहा कि बालिका को एनीमिया की वजह से कमजोरी लग रही है। सिकल सेन एनीमिया को लेकर बालिका का क्या क्या दवाइयां चल रही हैं। इसके बाद राज्यपाल पुंजापुरा पहुंचे, जहां उन्होंने बालिका छात्रावास का अवलोकन कर छात्राओं से चर्चा की, कुछ सवाल पूछे। पुंजापुरा से वैडीपुरा में राज्यपाल प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने हितग्राही को गृह प्रवेश करवाया। इसके साथ हितग्राही के घर भोजन किया। अपने दौरे के दौरान राज्यपाल पटेल पलासी में पुष्कर तालाब का निरीक्षण करने गए, जहां मछली पालन को लेकर जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर चंद मौली शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी को मिलता है ये सभी बहने जो है घर में सभी के बच्चे होंगे तो सब पढ़ने जाते हैं क्या? हाँ जाते हैं। कौन ऐसी महिला है जिसके घर में बच्चे हैं मगर पढ़ने नहीं जाते, ऐसा कोई है क्या? नहीं सर, हमारी तबीयत समूह में तो सभी बच्चे। देखो पिछड़े हुए सब, मगर पढ़ने से ही जीवन बनता है, बिना पढ़े कुछ भी नहीं होता, वो पहली बात समझना है। पढ़ाई और राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने इतनी सारी योजना बनाई है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।